जगदीशपुर में महागठबंधन के नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर कृषि कानून का विरोध किया। हजारों की संख्या में महागठबंधन के नेताओं ने आरा मोहनिया नेशनल हाईवे 30 पर नया टोला मोड़ पर मानव श्रृंखला बनाया। लगभग 2 किलोमीटर मानव श्रृंखला लगा हुआ था। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने आंदोलन ने जान गंवाने वाले किसानों को 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दिया। उसके बाद सरकार विरोधी नारेबाजी कर जमकर घेरा। मानव श्रृंखला का अगुवाई जगदीशपुर विधायक राम विश्रम सिंह लोहिया ने किया। मानव श्रृंखला हम लोग आज महागठबंधन की तरफ से जो आदेश आया ऊपर से माननीय तेजस्वी जी के आह्वान पर हम लोग किए हुए हैं, और जो केंद्र सरकार तीनों जो कृषि काले कानून जो सरकार वापस नहीं ले रही है उसके विरोध में आज हम लोग मानव श्रृंखला किए हैं। और जो भी किसान हमारे शहीद हो गया है और महात्मा गांधी की आज शहादत दिवस पर किया गया है, अगर मानव श्रृंखला और इस आंदोलन से नहीं होता है तो पूरे देश में इस कृषि काले कानून के उग्र आंदोलन किया जाए। ये मानव श्रृंखला बिहार में हम लोगों ने ठीक किया है। हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, हम लोग प्रदेश एकता बाबू, माले के नेता दीपंकर भाट्टाचार्य जी, कांग्रेस के नेता सोनिया जी और हमारे बिहार के नेता है सीपीआई से। ये मानव श्रृंखला बिहार में हम लोगों ने ठीक किया है। हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, हम लोग प्रदेश एकता बाबू, माले के नेता दीपंकर भाट्टाचार्य जी, कांग्रेस के नेता सोनिया जी और हमारे बिहार के नेता है सीपीआई से। तब तक हम लोग का आंदोलन चलेगा जब तक हमारे बॉर्डर पर किसान डटे रहेंगे, जब तक किसान का तीनों वीर इस वीर से किसान भाइयों और मजदूर को सबको इसे खतरा है। यह जमीन आपका लेना चाहता है, आपका पैसा लेना चाहता है जो उपज कीजिएगा। ये अंबानी सबसे मिल करके यह केंद्र सरकार जो है यह जमीन को देने के लिए बिल पारित किया है। आज आप लोगों की जानकारी होगा कि अंबानी आपका भारत सरकार के चारों बॉर्डर पर अपना गोदाम का भंडार बना चुका है, इसके चलते यह बिल वापस सरकार नहीं ले रही है। लेकिन हम लोगों पूरे देश के किसान एकता है, एक है, और जब तक नरेंद्र मोदी जी ये कृषि बिल तीनों वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोगों का संघर्ष चलते रहेगा, तब तक संघर्ष चलते रहेगा किसान एकता। मान लीजिए कि हम लोग अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था, भाजपा माले की तरफ से आज जो है किसी कृषि कानून को रद्द करने को लेकर के आज जो है उसको जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए, उसके हौसला को अफजाई करने के लिए, सरकार को बाध्य करने के लिए हम लोग ये आज मानव श्रृंखला किए हुए हैं। क्योंकि दिल्ली में आंदोलन चल रहा है आज 64-65 दिनों से, और जो भारत की जो सरकार है इस कानून को रद्द करने की दिशा में अभी कोई बात नहीं कर रही है, कई दौर की बात भी हो चुकी है। बिहार समेत पूरे देश में कहा जाए किसान जो है सो अब इस कानून को लेकर के आंदोलित है। मानव श्रृंखला से सरकार को क्या संदेश दीजिएगा? करेगा कि देश के किसान, हम लोग जो है किसान जो है हमारी खेती जो है बर्बाद हो रही है, खेती से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये जो कानून है, ये तीनों जो कानून होगा वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में उनकी पूरी खेती चला जाएगा, किसान और बदहाल हो जाएंगे। इसलिए सरकार इस